माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया गया। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने टॉप किया है। दोनों ने 496 नंबर हासिल किए हैं। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया। करीब 18 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। 10वीं कक्षा में 59.54% पास हुए हैं। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने टॉप किया है। दोनों ने 496 नंबर हासिल किए हैं। वहीं 12वीं में कला समूह में सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉपर हैं। विज्ञान गणित समूह में श्योपुर की प्रगति मित्तल 494 अंक के साथ और कॉमर्स समूह में मुरैना की खुशबू से शिवहरे 480 अंक के साथ टॉप किया है। जीव विज्ञान समूह में साजापुर की दिव्यता पटेल ने 491 अंक के साथ टॉप किया है। आपको बता दें वर्ष 2019 में 61.32% और 2018 में 66% रिजल्ट रहा था। दो साल से फार्मूला के आधार पर रिजल्ट तैयार हो रहा था। सभी छात्र MPBSE मोबाइल ऐप या MP मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परिणाम जान सकेंगे। रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में कोई भी सवाल या शंका है तो डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18002330175 पर आसानी से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसमें नंबर कम आने से लेकर सभी तरह के प्रश्नों के जवाब काउंसलर देंगे। इस साल अब तक 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक करीब 51,000 स्टूडेंट्स टोल फ्री नंबर पर कॉल कर चुके हैं। MP बोर्ड ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर को टोल फ्री किया है। सभी हेल्पलाइन नंबर सर्वर से सीधे 6 अलग अलग लाइनों पर बैठे काउंसलर के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। पिछले साल तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के हेल्पलाइन नंबरों पर प्रदेश भर में एक दिन में करीब 200 कॉल आते थे। अब इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। मंडल ने 2019 में साल भर काउंसलिंग प्रक्रिया चलाई थी, तब से अब तक 5 लाख से ज्यादा कॉल हेल्पलाइन नंबरों पर आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा कॉल करते हैं। मंडल ने 3 शिफ्ट में 6-6 काउंसलर को रखा है। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए 18 काउंसलर मनोवैज्ञानिक रहते हैं, साथ ही 120 से अधिक विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स शैक्षणिक समस्या, मानसिक तनाव से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। यह सभी दिन काम करता है। MP बोर्ड द्वारा बच्चों को रिटोटलिंग और कॉपी देखने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कोई भी संदेह या शंका होने पर वह रिटोटलिंग या कॉपी भी देख सकता है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक कर नया रिजल्ट तैयार होगा। इस आसान प्रोसेस से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्र MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पर क्लिक करें। अब होम पेज पर दिखाई दे रहे 10वीं या 12वीं कक्षा के रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहां मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करके लॉगिन करने के बाद सबमिट करें। आपका रिजल्ट सामने की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे चेक करके डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें। परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है हाई स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया।